नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हरिदरिया नर्सरी के ओनर श्री अनूप दुड़िया जी, वो हमें बताएंगे बोनसाई ट्री के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या कहाँ लगा सकते हैं। मिस्टर अनूप दुड़िया जी, हमें बताएं बोनसाई ट्री कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम, इन पौधों का नाम क्या है? बोनसाई ट्री, सबसे पहली बात तो बोनसाई ट्री उस पौधे का बनता है जो हार्डी पौधा होता है, गर्मी सर्दी धूप बरसात सब कुछ जो सहन कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसी का बोनसाई बन सकता है, ठीक है, और दूसरे पौधों का बोनसाई नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये जेड है, ये हाँ रफ टफ पौधा है, लेकिन हाँ इसकी शेप देना वो एक अलग काम है, वैसे पौधा खराब नहीं होता है। हाँ जी, अब ये कास्केड शेप बोनसाई है जेड का। हाँ जी, हाँ, लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है पौधे को बोनसाई बनाने में। बोनसाई बनाने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये रूट ओवर रॉक मॉडल है, रूट ओवर मॉडल पत्थर के ऊपर इसकी जड़ें आई हुई हैं। हाँ जी सर, ये आप देख रहे हैं जड़ें पत्थर के ऊपर आई हुई हैं। ये पत्थर के ऊपर आई हुई हैं, पत्थर के ऊपर, इसके ऊपर चिपक चुकी हैं अब। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको 1-1.5 साल ये तारों से सेट करके रखा हुआ था। हाँ जी, तारें खोल दें इसकी, अभी हाँ वैसी सेट रहेगा। वैसी सेट रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये भी जेड का मॉडल है, ठीक। इसको थोड़ा नीचे क्लोज करके देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी जेड का मॉडल है। हाँ जी, हाँ जी। ये फाइकस का रूट ओवर रोक है, दूसरा मॉडल है। हाँ जी, हाँ जी। और ये जेड का ब्रूम शेप बोनसाई है, ब्रूम शेप मॉडल। हाँ जी, हाँ जी। सर जी, इनका क्या नाम है? ये बोगनवेलिया का बोनसाई है, बोगनवेलिया का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कई साल तक आप इसकी एज काफी होती है सर जी, क्या इसकी? बहुत पुराने पुराने पौधे हैं जो बोनसाई बने हुए हैं, 10-10 साल 15-15 साल पुराने पौधे भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 12-13 साल पौधा भी पुराना, मेरे पास एक पौधा है वो दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, इस पौधे की, इस पेड़ की हाइट है सिर्फ 1 फुट 1.25 फुट के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसको क्लोज करके देखोगे आप, इसकी जड़ों का जो सिस्टम है आपको देखने में यूं लगेगा बहुत बड़ा बरगद खड़ा। हाँ, बहुत पुराना लग रहा है सर। ये 12-13 साल की एज का, 12.5-13 साल की एज है इसकी। अच्छा जी, ठीक है जी। और ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।